किक बॉक्सिंग कोच विपुल मिश्रा की पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी नहीं होने पर सीबीएसई स्कूल के प्रबंधन एकजुट होकर आंदोलन के मूड में हो गए हैं और पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर पुलिस प्रशासन से मदद नहीं मिलने के बाद सीडब्ल्यूसी के समक्ष गुरुवार को शिकायत दर्ज करवाई। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री के साथ किक बॉक्सिंग कोच द्वारा गलत किया गया है और पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होने से अभियुक्त का मनोबल बढ़ा हुआ है और लगातार धमकी भी दी जा रही है। थाने में बुलाकर पूछताछ के बाद अभियुक्त को छोड़ दिया गया, जबकि पोक्सो में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। उसके मोबाइल से भी तरह तरह के संदेश वायरल किया जा रहे हैं। न्याय की गुहार में सीडब्ल्यूसी की शरण आए हैं। एक साल से उनकी बेटी के साथ गलत हो रहा था। इस मामले से जुड़े साक्ष्य भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। वही सीबीएसई स्कूल से आए मदन सिंह ने भी बताया कि अगर न्याय नहीं मिला तो जिले के सभी सीबीएसई स्कूल एकजुट होकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। वही सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने बताया कि पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। इस मामले में पीड़ित के पक्ष से शिकायत प्राप्त हुई है। वरीय पुलिस अधीक्षक से वार्ता की जाएगी और पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। बता दें कि किक बॉक्सिंग कोच को पोक्सो एक्ट में आरोपित बनाया गया है। पुलिस द्वारा इस उसे हिरासत में भी लिया गया था। हालांकि 24 घंटे बाद महिला थाना से ही पूछताछ के बाद उसे थाने से ही पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया था। साइबर डीएसपी सुमित लकड़ा ने बताया था कि विपुल मिश्रा को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन अभी क्लीन चिट नहीं दिया गया है। पोक्सो एक्ट में 30 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। विदित हो कि 27 अगस्त को महिला थाने में उसके विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का केस पीड़िता के पिता ने किया था। 17 वर्षीय पीड़िता पंचेत ओपी क्षेत्र की रहने वाली है। वह किक बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। प्राथमिकी में ये बताया गया था कि पिछले साल 1 सितंबर से 10 सितंबर तक दार्जिलिंग में अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रशिक्षण शिविर में विपुल मिश्रा, जो कि पीड़िता का प्रशिक्षक था, विपुल ने दार्जिलिंग में 1 सितंबर से 10 सितंबर तक उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। सीडब्ल्यूसी के यहाँ आए हैं कि ये एक स्कूल की बच्ची का मामला है, सीबीएसई स्कूल की बच्ची है। किक बॉक्सिंग के खेल में एक साल पहले दार्जिलिंग में उनके साथ कुछ हुआ था। ये मामला जब हम लोग के संज्ञान में आया और इतने दिन हो गया, अभी तक जब न्याय नहीं मिला है, FIR भी दर्ज हो गया है, तो हम लोग सभी सोचे कि एक बार भेंट करना चाहिए। इसके पहले हम लोग SSP के पास भी गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने बोला है, यहाँ भी आए हैं और न्याय की गुहार करने आए हैं, क्योंकि इस पोक्सो एक्ट में तो गिरफ्तारी तुरंत होती है और पॉक्सो एक्ट के कानून के तहत अभी तक अगर कल्प्रिट घूम रहा है और बच्ची ट्रॉमेटाइज्ड है, बच्ची दहशत में है, उसके माता पिता अभी दिक्कत में हैं, तो हम लोग का ये फ़र्ज बन रहा है कि सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल्स इस बात को एक ईज करके और पेरेंट्स को, बच्ची को हम लोग काउंसिल कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग अपनी बात रखने के लिए आए हैं और बात कहीं नहीं सुनाई जाएगी तो हम लोग आंदोलन को मजबूर होंगे, क्योंकि हम लोगों का भी तो हक बनता है ना, एक आम सिटीजन है प्लस एक विद्यालय को भी चलाना है। जब हम अपने आसपास के बच्चियों का, स्कूल की बच्ची का न्याय नहीं दिलवा पाएंगे तो हम पर कैसे लोग भरोसा करेंगे। तो ये तो मामला इस सारे स्कूल का बनता है और ये एक बौद्धिक समाज है और बौद्धिक समाज में अगर इस तरह की घटनाएं को लगाम नहीं लगाया जाएगा तो हम लोग किस लिए हैं। और ये सबको हाईलाइट करना चाहिए। 90% केसेस दब जाता है, विक्टिम जो है वो कभी सामने नहीं आती है। अब कुछ अगर हिम्मत करके परिवार और बच्चे सामने आई है, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए कि ऐसे केसेस में न्याय मिले, ताकि और भी कुछ मामला उजागर होगा तो वो कल्प्रिट सामने आएगा और एक को सजा मिलती है तो देख करके 10 को भी दिक्कत है। और किक बॉक्सिंग जो है ना, ये इस खेल की भी जाँच होनी चाहिए, इसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये CBSE रजिस्टर्ड खेल है नहीं, तो इसमें क्या कोचिंग होता है, कहाँ भेजा जाता है, इसका क्या मेडल है, कैसे है, ये जो मामला सब देख रहे हैं इसमें लग रहा है कि कहीं इसमें कुछ है, इसकी एक जांच हम लोग मांग कर रहे हैं। एक और मामला है, स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा भी ये बातें सामने आ रही है कि लड़का पक्ष के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। कौन शिक्षक है? लड़का पक्ष को सपोर्ट किया जा रहा है, ये तो जो किक बॉक्सिंग में हैं उस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं वो तो स्वाभाविक से हैं। अगर उसमें कोई शिक्षक भी जुड़े हुए हैं उस किक बॉक्सिंग में, वो तो पहले उसके साथ हैं, उस विक्टिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो चीज़ें तो हम लोग के पूरे तौर पर सामने नहीं आया गया कि हम सपोर्ट में या सपोर्ट में नहीं हैं, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। मेरी बेटी पॉक्सो की विक्टिम है और हमने 27 अगस्त को FIR लॉन्च किया था और पुलिस ने उनको रात को 12 बजे उनके घर से अरेस्ट किया और अगले दिन PR बॉन्ड पे छोड़ दिया। अब ये है कि भाया मीडिया धमकी दिया जा रहा है, विटनेसों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। लड़की मेरी एक दिन ऑटो से जा रही थी तो पीछे से
वही उनका ही तीनों तीन चार मैंने चेला था जो भी था डिस्टर्ब कर रहा था उसको, पूरा ट्रॉमेटाइज हो गई, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। मेरे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी है, सलाइन उलाइन चढ़ा तब जाके वो नॉर्मल हुई। इसके बारे में भी हमने थाना में इंटीमेट किया था, लेकिन अब हम लड़की को देखे या केस लड़े और वो सबूतों को मैनिपुलेट कर रहा है। बच्चा को बोला गया था उस समय कि फोटो वीडियो तुम्हारा वायरल कर देंगे, उसका मोबाइल भी जब्त नहीं किया गया, तो ये सारा चीज़ मेरे मन में डर एक बैठा हुआ है। जल्दी इंसाफ होना चाहिए और उसको कस्टडी में लेना चाहिए, जहाँ तक मेरा डिमांड तो यही है कि उसको कस्टडी में लिया जाए और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी क्या सच क्या है क्या गलत। अभियुक्त क्या करता है? अभियुक्त कोच है विपुल मिश्रा। इसके पहले बताया गया कि उसके फेवर में कुछ विटनेस दिलाया गया, कुछ ले करके आए थे वो अपने साथ बच्चों को, जो उनके फेवर में बताया, कुछ बताया हाँ, मुझे कुछ नहीं बताया गया। मुझे बोला कि कुछ एविडेंसेस उसके फेवर में है। आपकी बच्ची बालिग है नाबालिग? नाबालिग है, बच्ची दहशत में है। हमारा चीज़ों को कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। हमारा जो कंसर्न है कि सबूतों को वो मैनिपुलेट कर रहा है, बच्ची मेरा ट्रॉमेटाइज्ड है और हमेशा एक भाया मीडिया धमकी आता है कि पूरा परिवार को ख़त्म करवा देंगे, तो इस चीज़ को कंसर्न में लिया जाए, यही हमारा जस्ट कहना है। कि CWC का बहुत दायरा सीमित है और हम लोगों को जो नाबालिग बच्ची है, माइनर बच्चे, उसका हम लोगों का केयर एंड प्रोटेक्शन देखना है। इस केस को हम लोगों ने देखा, जो कंप्लेन आया फादर का बहुत देर से आया। कंप्लेन देखने के पश्चात ये पता चला कि हर पोक्सो केस की रिपोर्टिंग CWC में होनी चाहिए। यह बहुत ही माना प्रश्नचिन्ह है, सवालिया निशान लगता है कि इस केस का पोक्सो में FIR हुआ है बट आज तक पुलिस ने किसी तरह की रिपोर्टिंग CWC में नहीं की है। ये हम लोग पुलिस से पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने किन कारणों से इस सारे केसेस की रिपोर्टिंग की, इस केस का रिपोर्टिंग नहीं करने के पीछे आपका क्या मकसद था? नंबर वन। नंबर टू, हम लोग पुलिस से भी बात कर रहे हैं, अभी आज प्रिंसिपल सारे लोग आए हैं, हम लोगों ने इनको एश्योर किया है कि हम लोग विक्टिम के साथ रहेंगे, विक्टिम को न्याय दिलाने का काम करेंगे। पोक्सो में जनरली हम लोग जानते हैं कि पोक्सो का जब कोई केस होता है तो जिस पर एलिगेशन रहता है एक्यूज को जेल जाना चाहिए, और बाद में मान लीजिए गलत सही का डिसाइड तो कोर्ट करेगा, वो ना हम करेंगे ना कोई दूसरे लोग करेंगे। तो पुलिस को हम लोग निर्देशित करेंगे कि इस पर त्वरित एक्शन हो। और गार्जियंस ने दो बातें लाया है जो हम लोगों के लिए काफ़ी गंभीर है। केयर एंड प्रोटेक्शन सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर एक्यूज्ड बाहर रहेगा तो जो गवाह है उनका, जो एविडेंस है, विटनेस है, वो टेंपर हो सकता है, नंबर वन। और दूसरा, अभी कहा जा रहा है कि बच्ची अभी भी असुरक्षित महसूस कर रही है, विभिन्न लोगों के द्वारा दबाव दिया जा रहा है, तो पुलिस को निर्देशित करेंगे कि उनको फुल सिक्योरिटी दिया जाए और केस का त्वरित निष्पादन किया जाए और जो एक्यूज्ड है उन पर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो आपको कार्रवाई करनी है। पुलिस के द्वारा ये बातें भी सामने आई थी कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें के अंदर चार्जशीट दर्ज है, इसीलिए थाने से बुलाकर पूछताछ। देखिए, पुलिस का ज्यूरिडिक्शन अलग है, लेकिन अगर कोई भी अभियुक्त बाहर है और बच्ची कह रही है कि हम असुरक्षित है, हम अनसेफ है, हमको केयर की जरूरत है, तो पुलिस को उस पार्ट में भी देखना है। किस प्रकार का स्टेप होगा CWC का स्टेप होगा, हम लोग हमेशा विक्टिम के साथ थे, हैं और रहेंगे। विक्टिम को न्याय दिलाना हमारा काम है, कोर्ट को डिसाइड करना है कि कौन सही और कौन गलत है। तो क्या CWC को होप हाउस में रखेंगे और नहीं? बच्ची को होप हाउस में क्यों रखेंगे? बच्ची जब अपना घर में असुरक्षित महसूस करेंगी तो हम उसको शेल्टर करेंगे, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी हम पुलिस को ही प्रोटेक्शन देने बोलेंगे और जो एविडेंस और विटनेस टेंपर होने की जो आशंका गार्जियन के द्वारा व्यक्त की गई है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो विक्टिम को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। विक्टिम को इंसाफ मिले इसके लिए टेंपरिंग नहीं हो, इसकी व्यवस्था हमको भी करना और पुलिस को भी करना है। आपको